करते हैं भाजपा मंडल अध्यक्ष रघु शाह संजय कुशवाहा, क्योंकि वो अपने समर्थकों के साथ काफ़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे उपस्थित देखे जा रहे हैं और पूरी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक उनके साथ कारवां दिख रहा है किस संबंध में और किस चीज़ का एक विज्ञापन दिया गया है पूरी जानकारी देते हैं। बताएं कुशवाहा जी, कि जो ज्ञापन दिया गया है किस संबंध में दिया गया है, क्या कारण है इसका? ये पश्चिमी बंगाल में जो अभी तुरंत विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें तृणमूल कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, उसके कार्यकर्ताओं और उनके कार्यालयों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है। इस संबंध में हमने भारत के राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। क्या लिखा है ज्ञापन में उसमें? ज्ञापन में उनके पार्टी की सदस्यता समाप्त करने की बात हम लोगों ने मांग की। किसकी पार्टी की सदस्यता? तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की। इस पर आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए? सरकार भी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के उस प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ मिलेगी, बैठक होगी और उनका घेराव होगा, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि कोविड-19 के चलते अभी ऐसे भीड़ इकट्ठा करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है मंथन चल रहा है केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है। टीएमसी के गुंडों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग यही मांग करते हैं। यहाँ पे ज्ञापन किसको दिया है? यहाँ खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अच्छा, किसको दिया है यहाँ पे? यहाँ पर खंड विकास अधिकारी को दिया है। खंड विकास अधिकारी श्री हनुमान प्रसाद जी, विश्वा जी। हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथ रहे उनकी हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उसी के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं। ममता बानर्जी की जो नई सरकार बनी है भाई, हमको ममता बानो ही कहेंगे, जो इतना तुष्टीकरण के तहत उनकी सरकार बनी है। हमारे कार्यकर्ता किसी को वोट देना अगर अपराध है, ये जो